दोस्तों एक्सेल का डेटा टेब में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल नाम का एक कमांड है। इसका बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही यूजफुल यूज है। तो इसका यूज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे कैसे करते हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। Let's begin the topic. तो एक्सेल में डेटा टेबल को समझने के लिए देखिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाए हुए हैं जिसमें पेट्रोल का प्राइस यानी कि रेट और उसका एक क्वांटिटी हम यहाँ लिख लिए हैं। एक लीटर पेट्रोल का दाम जो है 104 रुपया है, ये हमने माना। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको दोनों को यानी कि रेट को और क्वांटिटी को आपको यहाँ पर गुना करके लाना है। तो इक्वल का साइन लगाइए और दोनों को यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करके एंटर की को प्रेस कीजिए तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगाना है और इस पे क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो एक लीटर का दाम 104 रुपया हमने इस टेबल को बता दिया। अब हमें दो लीटर का दाम, ढाई लीटर का दाम, तीन लीटर का दाम, साढ़े तीन लीटर का दाम, इस तरह से कुल टोटल हमको 25 लीटर का दाम निकालना है। आप 5000, 2000, 3000, 1000 जितना लीटर का निकाल सकते हैं, आप यहाँ लिख करके रखिएगा तो निकाल देगा। तो चलिए हम 25 लीटर तक का ही निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, जहां से जहां तक आपको इस तरह से रेट निकालना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेटा टेप पे क्लिक करना है। डेटा टेप पे क्लिक करने के बाद आपको व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा टेबल पे क्लिक करना है, एक बॉक्स आ जाएगा। अब चूंकि आपको जो वैल्यू निकालना है वो आपको कॉलम में निकालना है, तो यहाँ पे कॉलम वाला पे कर्सर रखिए। और उसके बाद अब आपको निकालना क्या है, तो रेट निकालना है किसका, तो क्वांटिटी का। तो यहाँ क्वांटिटी पे आपको क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए सारा का जो है रेट आपका निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सेल में डेटा टेबल का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने डेटा टेबल के बारे में सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।